अरे राहुल, ये कैसे फटे हाल में फिर रहे हो? क्या हो गया? कैसे भागे चले आ रहे हो हाँपती हुई? अरे बता तो दो क्या हो गया? बहुत बुरा हाल बनाकर आ रहे हो कहीं से? क्या हो गया मुझे तो बताओ, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। अरे क्या बताऊं मोदी जी, अमित शाह जी ने दावत करी थी, खाने पर बुलाया था आज दोपहर में। खाना खाने के लिए जा रहा था वहीं पर, अब 1 किलोमीटर तो दूर उनका घर है। जैसी ही उनकी गली में मुड़ने वाला था, 2 मोटे मोटे कुत्ते आए और मेरे पीछे पड़ गए। वहीं से 1 किलोमीटर से भागता हुआ चला आ रहा हूँ, समझो मेरे कपड़े उपड़े सब फाड़ दिए उन कुत्तों ने। क्या बताऊँ, यहाँ तक पीछा नहीं छोड़ना है, देखो अभी पीछे ही खड़े, घर के बाहर खड़े हुए हैं। अरे राहुल, तुम अमित शाह जी के यहाँ पर दावत खाने के लिए गए क्यों? वो तो ऐसी दावत करते रहते हैं, उनके यहाँ पर गली में 2 बहुत खतरनाक कुत्ते रह रहे हैं, जिसकी वजह से वो खुद भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। और अगर जब उन्हें बाहर निकलना होता है तो किसी न किसी की दावत कर देते हैं। अगर वो दावत करने वाला उनके घर पहुँच गया, इसका मतलब कुत्ते इधर उधर छुपे हुए हैं, और अगर नहीं पहुंचा तो वो समझ जाते हैं कि कुत्तों ने उसे भगा दिया, कुत्ते अभी बाहर है, अभी निकलना मुश्किल है, और वो नहीं निकलते हैं। अरे योगी जी, तो अमित शाह को मेरे साथ ही ये क्यों करना था? ये बताओ, ये क्यों करना था? मुझसे तो ये बोले कि मिठाई में इमरती मंगाइए, रसमलाई मंगाइए, जल्दी जल्दी आ जाओ। अरे मैं लालच में चला गया, मुझे क्या पता था वहाँ पर ये कुत्तों से कटवा देंगे मुझको। अरे भागते भागते आया हूँ, कुत्ते तो काटने ही वाले थे। ये तो बहुत बहुत धन्यवाद हो उस भगवान का जिसने मुझे बचा लिया। सिर्फ कपड़े कपड़े हत्ते आए कुत्तों को मेरे, समझे, कपड़े कपड़े फटे हैं। अरे मेरे कहीं पर दांत नहीं लगा जिस्म पे। लेकिन मोदी जी, योगी जी, ये तो बताओ, ये अमित शाह दूसरे की जान को खतरे में क्यों डालते हैं? अरे एक बार तो मुझे भी दावत पर बुला रहे थे, वो तो जे कहो, मुझे बहुत बड़ा काम पड़ गया उस दिन। मैंने बताया कि मुझे काम है इसलिए मैं नहीं गया, नहीं तो आज मेरा भी हाल बिल्कुल राहुल जैसा होता। बहुत अच्छा हुआ मैं नहीं गया। राहुल कोई बात नहीं, मैं अभी जाके अमित शाह जी से शिकायत करता हूँ और कहता हूँ ऐसी हरकतें क्यों करते हो। अरे मैं जाऊँगा नहीं भाई, जाऊँगा नहीं, फोन करके शिकायत करता हूँ, समझे, फोन करूँगा, जाके तुम्हारे जैसा हाल हो जाएगा अगर मैं गया।